700 हंड्रेड प्लस पोस्ट टेंथ पास कैंडिडेट के लिए है टेंथ पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप जस्ट आफ्टर टेंथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अदर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल एंड ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी आप देख रहे हैं हम एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है डाउनलोड करना चाहें तो आप लेटेस्ट न्यूज का जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे एंड इसके जो एप्लीकेशन हैं इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट ऑन सेकेंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर 2024 रहेगी 22nd ऑफ दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे सो टेंथ पास कैंडिडेट जरूर से इसमें अप्लाई कीजिएगा परमानेंट जॉब है अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है आप टेंथ हैं सिंपल टेंथ पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सो एज क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजल कैंडिडेट पोस्ट कौन कौन सी है हम ये देख लेते हैं लेकिन हम जो डिटेल में बात करेंगे वो टेंथ पास जो पोस्ट है उसके लिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी पास के लिए आई हुई है। वैसे हम सभी पोस्ट देख लेते है लेवल फाइव से सैलरी है इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एनी ग्रेजुएट सेकेंड पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टोटल 27 वैकेंसी है लेवल टू से सैलरी है सैलरी आप देख ही रहे सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है चार वैकेंसी है लेवल टू से सैलरी रहेगी टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड की, की चौदह वैकेंसी है लेवल टू से सैलरी रहेगी फायरमैन के लिए दो सौ टोटल वैकेंसीज़ है लेवल टू से सैलरी रहेगी और जो फायरमैन की पोस्ट है ये टेंथ पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे इसके बाद नेक्स्ट है कारपेंटर जर्नर के लिए जिसमें आईटीआई होल्डर टेंथ प्लस आईटीआई होल्डर एलिजिबल होंगे टोटल सेवन वैकेंसी है पेंटर डेकोरेटर के लिए पांच वैकेंसी है इसमें भी टेंथ प्लस आई होल्डर एलिजिबल रहेंगे एम पोस्ट के लिए 11 वैकेंसी है लेवल वन से सैलरी है जस्ट आफ्टर टेंथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट में है ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी जो तीन सौ उन्यासी नवासी थ्री हंड्रेड है लेवल वन से सैलरी है और यहाँ पर भी आप जस्ट आफ्टर टेंथ अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ट्रेड्समैन मेट या एम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, तो अभी वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है इसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या, क्या क्वालिफिकेशन है लेकिन आप अगर नोटिफिकेशन में देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे या फिर आपने डिप्लोमा लिया हो मटेरियल मैनेजमेंट में या आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो एनी ग्रेजुएट एंड एन डिप्लोमा होल्डर्स ये तीन ऑप्शन आपके पास है अगर इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसके लिए ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी गई है एज आपकी 18 से 25 रहेगी और ये जो एज हम देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा मोटर ड्राइवर के लिए टेंथ पास एलिजिबल हैं और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस

तो ये टेंथ पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अच्छी पोस्ट है डिपार्टमेंट अच्छा है परमानेंट जॉब है जस्ट आफ्टर आप एलिजिबल हैं मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं तो काफी अच्छी और इसमें जो वैकेंसीज हैं ये आपकी ऑल इंडिया लेवल की अब ऑल इंडिया लेवल में जोन वाइज यहाँ वैकेंसी डिटेल दी गई है तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं देखिए जैसे ईस्टर्न जोन दिया गया है ईस्टर्न जोन में आपके ये स्टेट्स आ जाएंगे जिनमें आपकी किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर दी गई हैं और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना वो ईस्टर्न जोन में ही आई हैं सभी पोस्ट पर वैकेंसी आई है ईस्टर्न जोन में नेक्स्ट है वेस्टर्न तो वेस्टर्न जोन में आपका दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये फोर स्टेट्स कवर होंगे जिसमें ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है नॉर्थर्न जोन में आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आ जाएगा जिसमें आपका ये जो सिक्स पोस्ट देख रही हैं इन पर वैकेंसीज आई हुई हैं उथन जोन में महाराष्ट्र तेलंगाना और तमिलनाडु ये ये थ्री स्टेट्स आ रहे हैं हैं जिसमें आपके लिए पांच पोस्ट दी गई जिन पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं साउथ वेस्टर्न जोन में राजस्थान और गुजरात आ जाएगा जिसमें ये चार पोस्ट पर भर्ती आई हुई है सेंट्रल वेस्ट में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये तीन स्टेट कवर होंगे जिसमें ये दो पोस्ट पर वैकेंसीज हैं सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सिक्किम आ जाएंगे जिसमें ओनली फायरमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है टेन इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन हमने देख ली है और जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो आप ये चार्ट देख रहे हैं एस सी कैंडिडेट को फाइव इयर्स का ओबीसी को थ्री इयर्स का पीडब्ल्यू कैंडिडेट को थर्टीन ईयर का एंड पीडब्ल्यू डी एस सी एस टी को फिफ्टीन ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड एक्स सर्विस मैन के लिए भी तीन साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ अदर कैटेगरीज भी हैं सो आप इनको भी देख लेंगे अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अब अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है अदर किसी मोड़ से अप्लाई नहीं करना है ओ बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ई मेल के थ्रू ठीक है एंड लास्ट डेट हमने देखी ली है ट्वेंटी वन डेज है सो बाईस दिसंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए एग्जाम सेंटर आप ऑल इंडिया में आपको मिल जाएंगे और जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें आपको चॉइस फिल करनी होगी और ये जो आपको मिलेंगे ये आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे सो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए उतने ज्यादा आपके पास आपका पसंदीदा एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर आप अप्लाई करने में लेट हो जाते हैं तो हो so, सकता है तो जितना जल्दी हो सके अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको फाइव चॉइस फिल करनी होगी एग्जामिनेशन सेंटर की पांच में से कोई एक आपको मिल जाएगा अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे पोस्ट वाइज तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए तो ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एंड जो जेओए पोस्ट है इसके लिए पहले आपका टाइपिंग होगा उसके बाद रिटर्न होगा ड्राइविंग टेस्ट वाला जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें पहले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा टेली ऑपरेटर के लिए ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एंड फायरमैन के लिए पहले आपका फिजिकल होगा तो बेसिकली हम इसमें 10th पास की बात कर रहे हैं तो फायरमैन के लिए फ्रेड्समैन मेट के लिए और एमटीएस पोस्ट के लिए इनके लिए हम डिटेल में देखेंगे। फायरमैन पोस्ट के लिए फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जिसमें हाइट आपकी बिताउट सूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट यहाँ पर 85 डिसमला पास सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर कम से कम 50 केजी आपका वेट होना चाहिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आपके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी जिसको आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है कैंडिडेट अदर देन एक्स सर्विसमैन ऑफ फीमेल अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया जाएगा और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को उनकी एज के अकॉर्डिंग यहां पर टाइमिंग दी जाएगी ठीक है इसके बाद आपको वजन कैरी करना होगा जिसमें 63.5 केजी रहेगा और जो डिस्टेंस आपकी रहेगी वो एक मीटर रहेगी 96 सिक्स सेकंड में इसी तरह से क्लियरिंग 2.7 मीटर विथ रिच लैंडिंग ऑन बॉथ फीट ठीक है यानी लॉन्ग जंप आपका ये रहेगा एंड थ्री मीटर वर्टिकल रॉप यूजिंग हैंड्स एंड फीट क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग आपको

पहले पीई होगा जिसमें 1.6 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी होगी 50 के जो वेट है आपको लिफ्ट करना होगा कैरी करना होगा 200 मीटर तक और टाइमिंग आपकी रहेगी 100 सेकेंड्स फॉर एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विस मैन के लिए उनकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर देख लेंगे इसके बाद फीमेल कैंडिडेट को 1.5 किलोमीटर की रनिंग के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा और इनको 50 के वेट कैरी करने के लिए भी तीन मिनट पैंतालीस सेकंड का समय यहाँ पर दिया जाएगा और जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन ओके okay, ये ट्रेड्समैन मेट का अब यहाँ पर हम सिलेबस देखेंगे और रिटर्न टेस्ट देखेंगे तो हम टेंट की पोस्ट की बात कर रहे हैं जो टेंथ लेवल की है तो टेंथ लेवल की पोस्ट का देखेंगे हम फर्स्ट में ही आप देख रहे हैं मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड ठीक है लेवल वन और लेवल टू की तो अभी हमने जो देखी एम फायरमैन ट्रेड्समैन मेट इनके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स

नेगेटिव मार्किंग रहेगी मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं अब अगर हम सिलेबस देखें टेंथ स्टैंडर्ड का तो देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है जनरल इंग्लिश का दिया गया है जनरल अवेयरनेस सारा दिया गया है तो आप ये नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं इसके बाद पोस्टिंग तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देर चॉइस ऑफ जोन फॉर पोस्टिंग आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे अपने चॉइस जो जोन वाइज अभी हमने वैकेंसीज़ देखी उस हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उस प्रेफरेंस में आ, आ, प्रेफरेंस में आप ऑर्डर करेंगे ठीक है Uh, बता देंगे आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका फर्स्ट चॉइस है उस हिसाब से आप करेंगे दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज बाय सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल सो इस तरह से आपका यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया लेवल पर हम कह सकते हैं लेकिन आप जिस जो जोन में आप प्रेफरेंस देंगे उस हिसाब आप से आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मैं तो कहूँगी आप अप्लाई कर दीजिए टेंथ वेज पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब है सिंपल uh, टेंथ के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं मेल फीमेल सभी कर सकते हैं तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू